जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है बिगेस्ट अपडेट्स जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ चुका है। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट जो ग्राम सेवक बनना चाहते हैं, खासतौर पर जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट रहते हैं, जो पीएटी कोर्स करते हैं, उनमें से हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे ग्राम सेवक बनना है। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले हर एक स्टूडेंट सोचते हैं कि कब जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक का भर्ती निकले और हम जो है किस तरीके से आवेदन करें, किस तरीके से हम फॉर्म फिलअप करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए और हम जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन जाए। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी सौगात होने वाली है, काफ़ी अच्छी अपडेट्स होने वाला है। तो ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी भर्ती जो है, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है होने वाला। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन उतने ही ज़्यादा हो पाएगा। तो 12,800 पोस्ट के लिए आप जो है किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है किस तरीके से होने वाला, एक एक जानकारी जो है, एक एक डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने को, देखने को और समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, स्नातक की डिग्री आपके पास कंप्लीट है और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, देखिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा उस समय आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए जहाँ से भी कोर्स करें उसके मान्यता जो है होना चाहिए। तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ आयु सीमा के बारे में, वहीं अगर हम बात करें आयु सीमा के, तो कम से कम मिनिमम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज भी छूट जो है देखने को मिलता है, एससी एसटी को जो है 5 वर्ष का छूट मिलता है, ओबीसी वर्ग को जो है 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 साल के आप आवेदन कर पाएंगे, वही यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के आप इसमें आराम से जो आवेदन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो एक से बढ़कर एक जो है, एक के बाद एक जो है नए नए भर्ती, एक के बाद एक जो है नए नए अपडेट जो है, नए नए वैकेंसी जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको उतने ही ज़्यादा बेहतर बेस्ट रिस्पॉन्स जो है, बेहतर रिजल्ट जो है मिलने वाला है। क्योंकि सपने आपके हैं, कामयाबी आपको चाहिए और उस कामयाबी को पाने के लिए मेहनत भी आपको ही करना होगा, कोई और नहीं आने वाला आपका काम करने वाला। इस दुनिया में किसी को भी नहीं पड़ा है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है या कैसे ख़राब चल रही है, ये आपको ही सोचना है। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, ये सोचो कि तुम बिल्कुल अकेले हो, और अकेले हो तो ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आप अकेले हो और आप जो अकेलेपन को फेस कर रहे हो, चाहे आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी अकेले हो, कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, कोई रूम की रेंट में लेकर पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी अगर आप अकेले हो तो कोई बात नहीं। जिसने अकेलेपन को फेस कर लिया वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में अकेले अक्सरपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में जो है सही फैसलों को चुनता है। तो यदि आपने आपका भी फैसला सही है, इसी वजह से ज़िंदगी में आप जो है आगे बढ़ेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ ग्राम सेवक का भर्ती परीक्षा हर एक पहलू में जो है इम्पोर्टेंट है। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका स्टार्टिंग सैलरी ही 20,000 रुपये आपको जो है हर महीने जो है पर मंथ जो है 20,000 रुपये जो आपका सैलरी मिलेगा, और धीरे धीरे ये सैलरी आपका जो इंक्रीज़ होता जाएगा, और सैलरी जो है बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं लेगा, सैलरी आपका आगे ही बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग आपका 18 से 20 हज़ार होगा, फिर 25,000, 30,000, 35,000, क्योंकि देखिए सब्र रखेंगे तभी आपको आगे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा आगे, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आगे आपको, जो है बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिलेगा आगे आपको, बहुत ही ज़्यादा नेम फेम पैसा सभी चीज़ मिलेगा बस मेहनत करने से। और अगर हम सोचेंगे कि यार मैं मेहनत नहीं करूँगा और मुझे सक्सेस मिल जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए, सिर्फ कामयाबी के सपने देखूँगा, तो ये चीज़ें गलत बात है ना। देखिए आपके माँ बाप आपके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, शायद आप लोगों को पैसे की इंपॉर्टेंस जो है इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि यार 100 रुपये तो है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये खर्च कर देते हैं ना, खा देते हैं, पी देते हैं, कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, ऐसा आप लोग सोचते हैं, आप पैसों को भी खर्च कर देते हैं। लेकिन जिस दिन आप अगर खुद से अगर पैसा कमाएंगे ना, वो 10 रुपये भी रहेगा ना, 10 रुपये की वैल्यू आपको समझ में आएगा, 10 रुपये की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, यार ये 10 रुपये बहुत है, इसको मैं खर्च नहीं करूँगा, ऐसा आप सोचते हैं।
लेकिन आपको आपके माँ बाप के पैसों की कोई वैल्यू नहीं होता। आपको लगता है कि यार ये तो पैसा है, मैं तो खर्च कर दूंगा, ऐसा सोचते हैं। यही चीज़ें होता है, जब खुद पैसा कमाओगे ना तब उसके इम्पोर्टेंस समझ में आता है। फालतू के फ्री के पैसे मिल रहे हैं ना तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये लड़ाई तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा है, कामयाबी तुम्हें चाहिए, सक्सेस तुम्हें चाहिए, प्रसिद्धि तुम्हें चाहिए, तो फिर देर किस बात की है, मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हो। अगर ज़िंदगी तुम्हें मिली है और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, कोई भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तुम्हारे पास अगर 5,000 रुपये तुम्हें पर मंथ अगर मिलने की तुम्हारी अगर औकात नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ है, तुम्हारी ज़िंदगी जो है फिजूल है, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बस तुम्हारी ज़िंदगी जैसे चल रहा है सो चल रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन ज़िंदगी तुम्हारी ऐसे ही कट जाएगा। क्या कर लिया तुमने ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं। इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ घूमना फिरना बंद करो, दोस्त यार बस यही है, आप लोगों का यही है, दोस्त यार घूमना फिरना। और एक दिन बताइए जब कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, वो सभी दोस्त यार तुमसे अलग हो जाएंगे, उस बार उस दिन तुम क्या करोगे बताइए? उस दिन तो आपको अकेला रहना पड़ेगा ना। क्या वो दोस्त तुम्हारे साथ दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि सक्सेस को सभी लोग चाहते हैं सक्सेस हो, सभी लोग चाहते हैं सक्सेस, और सक्सेस की वैल्यू है। अगर आप कामयाब नहीं रहेंगे ना तो जिसे आप दोस्त समझ रहे हैं, मित्र समझ रहे हैं, वो भी आप लोगों को वो भी आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सफलता की जो है वैल्यू है। अगर आपके पास अगर आप कामयाब हैं, अगर आप सफल हैं, तो मतलब कि आप सफलता है आपके पास है, तो आपको हर एक वो कामयाबी मिलेगा, आपको हर एक वो मंजिल मिलेगा। अगर आपके पास अगर आपने सक्सेस आपको नहीं मिला है, अगर आप कामयाब नहीं है, तो आपकी फिक्र आपके कोई भी नहीं होगा। जो लोग आज जिसे आप अपना अच्छा समझते हैं ना, वो लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। सक्सेस की वैल्यू होता है। ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आने वाला है, इसीलिए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी अपॉर्चुनिटीज़ जो है बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है, तो इसे एक बार की ज़िंदगी में जो है अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए और आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो जाए। तो जितना ज़्यादा तुम तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाई करोगे, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा कामयाबियाँ, उतने ही ज़्यादा शोहरत बुलंदी आपको जो है मिल पाएगा। इसलिए अच्छे से मेहनत करो। सो आई होप वीडियो से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। सो प्लीज़ अगर वीडियो से अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोस को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर कीजिए। सो आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, मेहनत अच्छे से करो, तैयारी अच्छे से करो, सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, एक दिन आपके सभी सपने ज़रूर पूरे होंगे। सो थैंक यू, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ पॉसिबल है। वक्त सबका आता है पर उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। सो थैंक यू।